छह साल से बिस्तर पर पड़े अरविंद के इलाज की राजवर्धन सिंह राजू ने लिए संपूर्ण जिम्मेदारी। जी हां, पीड़ित अरविंद राजपूत ने कहा कि जीने की उम्मीद छोड़ चुका था, शायद अब दोबारा पैरों पर चलने का मेरा भी सपना पूरा होगा। जी हां, हरदोई में छह साल से बिस्तर पर पड़े रहने के कारण बेड सोल की बीमारी से ग्रसित अरविंद राजपूत को अब इलाज की सुविधा मिल सकेगी। आत्मसंतुष्ट मिशन संस्था के संरक्षक और जनपद के प्रख्यात समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने शुक्रवार को उनके इलाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उनके परिवार ने जनपद के हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उन्हें उम्मीद की लौ दिख रही थी। अफसोस कि किसी ने भी दरवाजे पर उनकी कोई मदद नहीं मिल सकी। इस दौरान कोई भी कहीं से भी उन्हें मिशन आत्मसंतुष्ट के बारे में जानकारी मिली। इस पर उन्होंने संस्था के संरक्षक और जनपद के प्रख्यात समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू से मदद करने की गुहार लगाई। संस्था ने उनको इलाज कराने का भरोसा और तत्काल आर्थिक मदद की। इस तरह छह साल से अपाहिज की जिंदगी जी रहे अरविंद को अब अपने पैरों पर दोबारा चल पाने की आस बंध गई है। आत्मसंतुष्ट संस्था के संरक्षक राजवर्धन सिंह राजू ने बताया कि अरविंद राजपूत ने मदद मांगी थी, संस्था की ओर से उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की चीजें भी मुहैया कराई जाती रहेंगी। उधर पीड़ित ग्रामीण अरविंद राजपूत ने बताया कि उन्हें तो अब किसी से उम्मीद की आस नहीं बची थी। करीब चार साल पहले उन्होंने स्थानीय विधायक से अपने लिए मदद मांगी थी, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कभी उनकी सुध नहीं ली। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट हरदोई से। ये श्यामपुर पंजा के जो अरविंद जी हैं, राजपूत समाज के हैं हमारे, ये करीब पाँच साल पहले पेड़ पे चढ़ रहे थे, गिर गए थे। गिरने के बाद क्या हुआ, इनका कमर के नीचे का हिस्सा पूरा बेकार हो गया। गरीबी की वजह से ये कहीं भी जाके इलाज नहीं करा पाए। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इनको आश्वासन दिया था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो जीतने के बाद आपका इलाज पीजीआई से करा देंगे, मेडिकल कॉलेज से करा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो नेता लोग थे भूल गए। ये परिवार इतनी बुरी तरीके से पीड़ित है कि पड़े पड़े इसके जो अरविंद के हैं नौजवान के बेडसोर हो गए, बड़े बड़े जख्म हो चुके हैं। अभी हमसे कह रहा था कि भैया हमें तीन रुपये का अगर साइकिल दे देते तो हम टहलता रहता। अगर ये सरकार द्वारा लगातार हर वर्ष सैकड़ों ऐसे लोगों को साइकिलें दी जाती हैं जो वास्तविक रूप से पात्र नहीं होते, लेकिन नेताओं के लगा लपेटू होते तो इनको मिल जाती है। ये वास्तविक पात्रता, उसके बावजूद न इसका इलाज हो पाया, न इसको साइकिल मिल पाई, और आज ये इलाज के अभाव में तड़प तड़प के दम तोड़ने के लिए परेशान है। पूरा परिवार इसका पीड़ित है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से निवेदन है कि ऐसे लोगों के लिए कम से कम आप सहानुभूति पूर्वक तरीके से ही थोड़ी मदद कर दें, और कोई भी अगर आप इसकी छोटी मदद कर पाते हो शायद ये स्वस्थ हो जाता। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं इनकी मदद के लिए, भगवान चाहेगा तो स्वस्थ भी होंगे। उनको साइकिल की व्यवस्था हम अपने पास से मिशन आत्मसंतुष्ट खरीद के देने जा रहा है। क्या नाम है? अरविंद कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरी समस्या आपकी क्या है? सर हम पेड़ से गिर गए थे और हमारे तब से हमारे पास पैसा भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कब गिरे थे आप, मतलब कितने साल पहले? चार पाँच साल पहले रानू सर आए थे। अभी तक की आपने, आपकी किसी ने मदद करी है? नहीं सर, रानू सर आए थे वोट मांगने के लिए, वहाँ से कह के गए की बेटा हम जीत जाए तुमको पीजीआई में दिखवा देंगे। उसके बाद कोई मदद वगैरह दी है? नहीं कुछ भी नहीं, आज तक देखने भी नहीं आए सर। जब तक पैसा था। कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं अभी तक की? पिताजी हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे बच्चे दो हैं, वे पालते हैं, गांव के लोग सब सहयोग करते हैं। कोई मेरा खेत जोत देता है, कोई बटाई चुटाई के ज्यादा पैसे नहीं लेता है, अपने ऐसे कोई कुछ भी कर देता है मदद किसी प्रकार से, कोई कोटेदार या कोई हर प्रकार से हर लोग मदद कर देते हैं। थोड़ी बहुत बच्चों का ऐसे ही गुजर चलता है। आपकी कोई मदद कर रहा है? हाँ जी, राजवर्धन सर जी कह रहे हैं कि हम तुमको आवाज दिलवाएंगे, साइकिल दिलवाएंगे, जो जिस प्रकार से हम तुम्हारी मदद होगी हम सारी मदद आपके लिए करने को तैयार हैं।